बेटी को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने पिता ने एसपी से लगाई गुहार। शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक पिता ने बेटे को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की गुहार एसपी से लगाई है। मायापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिन्नौदी गांव के रहने वाले कैलाश यादव ने बताया कि करीब 4 माह पहले उसके बेटे देवी सिंह यादव ने कल्याण सिंह ठाकुर, राजपाल सिंह, परनाल सिंह पुत्रगढ़, भूपत सिंह ठाकुर, दिनेश पुत्र नत्थू लाठोरिया, जितेंद्र सत्येंद्र पुत्रगढ़, सूरत सिंह डगैया की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन लोगों द्वारा उसके पुत्र को जुआ खिलाया गया। जुए में बेटा देवी सिंह सोने के गहने, बाइक, नकदी समेत करीब 8 लाख रुपए हार गया। उसके बाद ये लोग उस पर और पैसा देने का दबाव बनाकर मारपीट करते थे। परेशान होकर उसने 25 अक्टूबर 2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या के लिए विवश करने वालों के नाम मायापुर थाना पुलिस को बताए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। उसने इसकी शिकायत जब 18 दिसंबर को एसपी ऑफिस में की तो सभी आरोपी अब उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बेटे को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। कैलाश यादव, कहाँ से आए हो आप? चिन्नौदी ग्राम से। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या समस्या लेकर आए? तीसरी दफा ले आके आया, मेरा बच्चा मर गया, मार दिया, लोगों ने मरवा दिया, आज तक भी कोई शिकायत सुनाई नहीं हो रही। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि वो उस पर जुआ खेलने लुआ गए और पैसा भी हड़प लिया, फिर उधारी के पीछे उसको मारा पीटा। मैंने उसको छुड़वाया, घर करे आया, मैं कुएं पे आया, उसने बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुई, लड़ाई उसने फांसी लगा ली। कौन ले गया था? ये जितेंद्र लोधी है, जे सब इसमें लिखे हैं, जिसमें है गांव के रहने वाले, गांव के जितेंद्र लोधी, सतपेंद्र लोधी पुत्रगण, सूरज सिंह लोधी, प्रकाश लोधी पुत्रगण, भगवान लोधी, ग्राम चिन्नौदी। तो कोई पुराना वो है क्या? नहीं, कुछ नहीं साहब, कोई मेरा कोई पुराना लेना देना नहीं था किसी प्रकार का। मेरे सुख से दुखी है, कल मेरे मेरी मारपीट की। क्या नाम है? किसने की? जितेंद्र, सतबेंद्र और उनके 4 लोग। नाम क्या है आपका? मनोज लोधी। आप क्या करते हो? खेती।